अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी एसटी ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज। और आदरणीय सभापति जी, लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज हर्ड इन रेप्ट अटेंशन, आर यू सेटिंग दिस एग्जाम्पल? लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय सभापति जी, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। आप तो जानते हैं नेहरू जी ने जो कहा वो कांग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है। नेहरू जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए, दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरणों से सिद्ध होती है। मैं अनगिनत उदाहरण देख सकता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं, और वह उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का देना चाहता हूं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के एससी एसटी ओबीसी को 7 दशकों तक उनके अधिकारों से वंचित रखा। आर्टिकल 370, मैं हम कितनी जीतेंगे उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 370 को निरस्त किया, तब जाकर के इतने दशकों के बाद एसटी एसटी ओबीसी को वो अधिकार मिले जो देश के लोगों को बरसों से मिले हुए थे, इसको रोक के रखा था। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट उनको प्राप्त नहीं था। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था, ये हमने 370 हटाकर ये अधिकार उनको दिए। हमारे एससी समुदाय में भी सबसे पीछे पीड़ित कोई रहा तो हमारा वाल्मीकि समाज रहा, लेकिन हमारे वाल्मीकि परिवारों को भी 7-7 दशक के बाद भी
जम्मू कश्मीर में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लेकिन डोमिसाइल का अधिकार नहीं दिया गया। ये है। और मैं आज देश को भी अवगत करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में ओबीसी के आरक्षण का विधेयक भी कल 6 फरवरी को लोकसभा में भी पारित। आदरणीय सभापति जी, एससी एसटी ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी ने हुए, कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे, सभापति जी इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे। सर ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो ओनली एड्रेस नो। पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए उनको उम्मीदवार बनाया। हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था। लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था, क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था। और इसलिए आपने, और ये जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे वो भी एक आदिवासी उदार दी, उनके साथ भी यही किया गया था। और आज तक सभापति जी, राष्ट्रपति जी का अपमान करने की घटनाएं कम नहीं है, पहली बार इस देश में हुआ है। उनके जिम्मेवार लोगों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली है, शर्म से माथा झुक जाए। राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा बोली गई है, मन में जो कसक पड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकलते रहती है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा, हमारी प्राथमिकता क्या है सब पर। आदरणीय सभापति जी, जब हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस की बात करता, एनडीए की जो गरीब कल्याण की नीतियों की बातें करता, थोड़ा सा अगर उस समाज को निकट से जानते हो, आखिर कौन समाज है लाभार्थी, कौन लोग हैं,
झुग्गी झोपड़ी में किसको रहने के लिए जिंदगी गुजारनी पड़ रही है? किस समाज के लोग मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, व्यवस्थाओं से वंचित रहना पड़ा, कौन समाज है? हमने जितना काम किया है ना, ये एससी एसटी ओबीसी आदिवासी इसी समाज के लिए। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है तो मेरे ही समाज के बंधुओं को मिला। स्वच्छता के अभाव में हर वर्ष बीमारी से जूझना पड़ता था, उनको सर स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम सभापति जी हमारी योजनाओं के तहत मिला है, ताकि उसको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिले। इसी परिवारों के हमारी माताएं बहनें धुएं से खाना पका पका करके अपनी स्वास्थ्य के संकट को झेल रही थी, हमने उनको उज्ज्वला गैस दिया। वो इन्हीं परिवारों का मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, इसके लाभार्थी यही मेरे परिवार जो समाज के इस वर्ग के मेरे परिवारजन हैं, जिनके लिए हमारी सारी योजनाएं काम कर रही है। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ ऐसा नैरेटिव रखा गया, कम से कम तथ्यों को इस प्रकार से नकारना किसका भला होगा? आप ऐसा करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा भी खो रहे हैं। सभापति जी, यहां शिक्षा के भ्रामक आंकड़े रखे गए, गुमराह करने का कैसा प्रयास होता है? पिछले 10 वर्ष में एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती है, 10 साल में उसकी वृद्धि हुई है। इन 10 वर्षों में स्कूलों में हायर एजुकेशन में नामांकन की संख्या भी बहुत बड़ी है और ड्रॉप आउट बहुत तेजी से कम हुआ। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले 120 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, आदरणीय सभापति जी आज 400 एकलव्य मॉडल। आप इन चीजों को क्यों नकारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। सभापति जी, पहले एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी, आज 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज हैं। आदरणीय सभापति जी, ये भी सच्चाई है कि लंबे अरसे तक दलित पिछड़े आदिवासी बेटे बेटियां कॉलेजों का दरवाजा तक नहीं देख पाते थे। मुझे याद है, मैं गुजरात में जब सीएम बना तो मेरे लिए चौंकाने वाला एनालिसिस मेरे सामने आया। गुजरात में उमरगांव से अंबाजीपुरा बेल्ट आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे दिग्विजय जी के एक दामाद भी उसी इलाके में है, उस पूरे इलाके में। चलिए दोबारा आपको राज्यसभा वाले चलेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कीजिए, वो देश की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए हम प्रयास करें, सामूहिक प्रयास करें। आप देखिए, आदिवासी और हमारे एससी एससी समाज के विद्यार्थियों का नामांकन, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। उच्च शिक्षा में
एससी विद्यार्थियों का नामांकन